चीन में तेजी से बढ़ते कोविड संक्रमण की वजह से भारत में भी इसके खतरे को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार को अपने गणितीय मॉडल से समझाने वाले IIT कानपुर के प्रोफेसर पद्मश्री डॉक्टर मणिंदर अग्रवाल का कहना है कि भारत की 98% आबादी में हाई लेवल इम्यूनिटी की वजह से खतरा कम होगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की ये प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर हो और कोई छोटी मोटी लहर आ जाए। इसके अलावा भारत में फिलहाल परेशानी की कोई बात नहीं है। नमस्ते, मैं रमन हूँ और आप हैं मंच पर। भारत कोरोना की 3 लहरों का सामना कर चुका है, जिसके लिए अल्फा, डेल्टा और ओरिएंट जिम्मेदार थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी के मुताबिक देश में जब भी कोई लहर आती है तो करीब 65-70% लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कई राज्यों में ये आंकड़ा 90% तक रहा है। देश में आज 80-90% लोग ऐसे हैं जो कोरोना का सामना कर चुके हैं, यानी उनमें कोविड के खिलाफ इम्यूनिटी मजबूत हो चुकी है। इसी तरह 102 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन की पहली और 95 करोड़ दूसरी खुराक ले चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जोड़ दिया जाए तो करीब 95% आबादी का कोरोना के खतरे को देखते हुए वैक्सीनेशन हो चुका है। IIT के प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल ने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर कोरोना वायरस को लेकर क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं। मेरे अनुसार 60% से भी ज़्यादा आबादी संक्रमित होगी अगले कुछ महीनों में चीन में, और जहाँ तक ये 10% विश्व की आबादी का की बात है, वो 10% विश्व की आबादी सब चीन की ही है। 60% चीन की आबादी, 10% विश्व की आबादी के बराबर है। भारत में बहुत ही हाई लेवल की नेचुरल इम्यूनिटी कई महीनों से आ चुकी है। 98% से अधिक लोगों में इम्यूनिटी है इस समय मेरे आकलन के अनुसार, और ये जो चीन में वेरिएंट घूम रहा है BF7, ये पहली बार भारत में जुलाई में पाया गया था, तो इतने महीने में कोई विशेष इसका असर नहीं दिख रहा है भारत में, तो मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर कोई नया वेरिएंट आता है और वो पहले वाले वेरिएंट से काफ़ी अलग है तो चौथी लहर का खतरा बढ़ सकता है। अगर चीन को नज़रअंदाज करें तो भी अमेरिका, फ्रांस में कोविड के केस में इजाफा होना चिंता की बात है, क्योंकि वहाँ पहले ज़्यादा लोग संक्रमित थे। इन देशों में ज़्यादातर फाइजर की वैक्सीन का इस्तेमाल किया, जो mRNA टेक्नोलॉजी पर थी। किसी टीके में पहली बार इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जबकि भारतीय टीकों में समूचे निष्क्रिय वायरस का इस्तेमाल किया गया, जो कि सबसे पुरानी और प्रभावी टीका पद्धति है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।